जी हाँ, सच्चे प्यार की ओर आज हम आपको लेकर जा ही रहे हैं और इसी के चलते आज सारी जानकारी जाने माने ज्योतिष आचार्य संतोष संतोषी जी हमारे साथ हैं, जो आपके साथ बांट रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि आपके जीवन में प्यार बरकरार रहे, लेकिन प्यार की, सच्चे प्यार की पहचान कैसे हो, ये भी आचार्य जी आपको बता रहे हैं साथ साथ। चलिए हस्तरेखा के माध्यम से जानते हैं कि प्यार की रेखा कौन सी होती है और अगर इस प्यार की पूर्णता ना हो तो भी वो रेखा कैसी रहती है, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल, दो तीन चीजें हम बता देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप जिसे स्नेह कर रहे हैं वो आपके स्नेह के योग्य है भी या नहीं। साथ ही साथ प्रेम रेखा कहां से निकलती है, कहां तक जाती है, और जहां तक जाती है वहां जाकर देखिए। सबसे पहले आप शुक्र आइए, यहां पर शुक्र पर आपके कोई मोटी सी अंदर जीवन रेखा के समानांतर चलने लग जाए, जीवन में प्रेम जरूर रहेगा, स्थायी रूप से रहेगा। शुक्र पर्वत से लेकर के जीवन रेखा को समानांतर चल रही है, यह प्रेमिका आपके पति या पत्नी या कोई हो सकता है, कोई हो सकता है, बेहद शुभ रहता है और आपके लिए भी देके आ जाता है। साथ साथ चंद्र क्षेत्र से एक रेखा करके शीर्ष रेखा को काटती आगे की तरफ बढ़ती है, यह भी एक प्यारा संकेत। भाग्य रेखा क्षेत्र से निकले तो ऐसे लोगों का जरूर होता है। अब अलग विषय है, विवाह के बाद प्रेम चलेगा नहीं चलेगा, होगा नहीं होगा। और अंतिम एक हम आपको बता देते हैं जो आप अजूब होगा, अगर किसी के जीवन रेखा और रेखा के मध्य एंड लाइफ लाइन के बीच में मिनिमम एक कनिष्ठिका अंगुली के बराबर इतना, तो लोगों से आप प्रेम संबंध ना रखे। जितना ज्यादा दोनों रेखाओं के बीच रहेगी उतना वो प्रेम के योग्य ही रहेगा, अर्थात ऐसे प्रेम अस्थायी रहता है, ये कभी उधर कभी यहाँ कभी वहां रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो ऐसे लोग अगर आप स्नेह लगाएंगे तो आज आप स्नेह लगा लेंगे 10-15 दिन के लिए, इसके और भी उन्हें पसंद आ सकता है। ऐसे मुश्किलें आएंगी, आप बहुत परेशान हो मानसिक रूप से। मित्र गहरी चीज बताते हैं, सबसे ज्यादा खुद से प्यार कर सकते, हमें अपने आप पर जोर, सामने वाले पर हम जोर नहीं कर सकते, यही एक अंतिम सत्य। तो अगर आप अपने आप से मोहब्बत तो उम्मीद बढ़ जाएगी कि आपको प्यार कर सकता है, कोई भी आप लगा सकता है। और कई बार तो ये भी होता है कि किसी पर इतना लगाव रखते हैं, स्नेह रखते हैं, लेकिन आप उससे कई बार कहने में भी कर जाते हैं और ऐसे इतनी देरी हो जाती है, सामने वाला तो फिर कोई और चुनी लेता है। तो ऐसा भी होता है, ये चीजें हैं, इसको तो पंचमी इसकी डिग्री हमने बताया था, शायद मजबूत रहेगा तो बहुत एक बोल देंगे, आपके अंदर भय नहीं रहेगा, झिझक नहीं रहेगा कि मन में कोई पाप नहीं है। तो फिलहाल आगे हम महा उपाय की भी चर्चा करेंगे, आपके प्यार की पूर्णता में बहुत सहयोग करेगा, लेकिन फिलहाल नागपुर से ममता हमारे साथ करते हैं। ममता जी स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्ते ममता जी। हाँ, उनके बारे से पूछना था, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/7/1984, तीन बुधवार रात के का जन्म और स्थान नागपुर। बताइए। हाँ, काम बराबर बन नहीं रहा है उनका, कैटर्स का काम, उनका काम बराबर बन नहीं रहा है, और ऐसे ही भी है चुप चुप का काम भी है उनका, तो हम चाहते कि इसका काम बढ़ना चाहिए, उपाय बताइए। काम बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त काम के लिए त्रयोदशी का जन्म है, मूल नक्षत्र है त्रयोदशी का जन्म से आप अपने आप में होता है, साढ़े साथी का प्रभाव था अपना काम ये जहाँ पर इनकी है नागपुर में, वहां से दिशा में अपने काम को बढ़ाएं, मतलब वहां पर जो भी करना है जहाँ रहते हैं वहां से पूर्व दिशा में अगर इनकी का कार्य क्षेत्र रहेगा तो उन्नति होगी। वर्तमान साढ़े साथी आरम्भ हो, प्रथम चरण की साढ़े साथी है, व्रत करवा दीजिएगा और प्रत्येक कुछ खाने पीने की चीज अनाज या फिर और स्नैक्स ये बच्चों में बताइएगा, मंगलवार के दिन अच्छा चलेगा। और साथ ही साथ कहते हैं कि आपका साथ बाहरी निभाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपको साथ अच्छे से मिले तो उसके लिए आज हमारा किचन पिटारा आपकी मदद करेगा, कुछ देर में बताएंगे हम किचन में भी, लेकिन फिलहाल गौरव से बात कर ले मध्य प्रदेश के अशोकनगर से। स्वागत है आपका गौरव जी।
मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण महाराज। जय कृष्ण भैया। राज नतीजे के बारे जी के बारे में जी जी अपडेट। हाँ 10 मई जी। क्या बोला? 10 मई 2016 तो अभी। हाँ और समय फिर का एक बच्चा सुने जी। आप आजकल बहुत खराब रहे। स्थान बता दीजिए। स्थान भोपाल। भोपाल जी। तबीयत बहुत खराब रहती है जी। बन चुकी है भैया वैशाख शुक्ल चतुर्थी आर्द्रा नक्षत्र है। हाँ स्वास्थ्य आयु संकट भी सूर्य यदेव की स्थिति में है लेकिन आने वर्ष अर्थात इसके लिए ठीक मामला नहीं है। संकेत बहुत अच्छा नहीं है। एक गौदान करवा दीजिएगा। बस श्राद्ध आने वाले हैं। श्राद्धों में बच्चे के हाथों से स्पर्श करा के गाय का दान करवा दीजिएगा और छोटा सा एक तांबे का कड़ा बाएं हाथ में पहना दीजिएगा। सिरहाने बैठ करके गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र इनकी माँ करें और जब भी फीड कराएं दूध पिलाएं अपना तो उस दौरान भी गायत्री मंत्र मानसिक रूप से जपती रहें। साथ ही साथ राहु के निमित्त गोदान हमने बता ही दिया है। बच्चे को हल्दी का तिलक मस्तक पर रोज सुबह लगा देना करें। 2-3 उपाय करवाइएगा और एक बार जन्मांक का विश्लेषण अच्छी तरह से जरूर करवा लीजिएगा। यवतमाल से हमारे साथ ममता जुड़ी उनसे बात करेंगे। ममता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ राधे राधे पंडित जी। श्री राधे श्री राधे। हाँ मैं अपने बेटी के बारे में जानना चाहती पंडित जी। जा। हाँ 3499 जी। शाम के 6:10 जी। स्थान है यवतमाल। स्थान है यवतमाल जी जी बिल्कुल। हाँ वो बी फॉर्म पढ़ रही है पंडित जी। जी। वो आगे चलकर क्या बनेंगी और उसे बहुत गुस्सा आता है पंडित जी और उसके ऊपर हर मतलब आँख होगा दांत होगा तबियत सभी बातों पर पैसा खर्च करना पड़ता है लेकिन उतना कुछ फायदा नहीं होता पंडित जी। और उसे गुस्सा बहुत आता है आगे चलकर वो क्या बनेंगी और हम लोगों से वो बहुत प्यार कम करती पंडित जी तो आगे कैसी रहेंगी और उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। कितने, कितने भाई बहन है ये? 2 ही भाई बहन है उनका भी पटता नहीं पंडित जी वो ज्यादातर बहन भाई को पटता नहीं भाई छोटा है ये बड़ी है। देखिए चार जी प्यार का एक ये भी रूप है पारिवारिक रूप है जो कि इसकी भी दरकार सबको है सबको इसकी जरूरत होती है। चार जी कुंडली क्या कहती है? बिल्कुल देखिए आपकी गुड़िया रानी की कुंडली वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का जन्म है स्वाति नक्षत्र है इनका और तुला लग्न तुला राशि है। लग्न में ही मंगल चंद्रमा बैठे हैं। प्यारी बच्ची है वैसे थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत है एक बार जरूर मिलवाइएगा हमसे। बृहस्पति की भी महादशा इनकी चल रही है फिलहाल और बृहस्पति इनके जन्मांक में नीच राशि के बुध के साथ है तो बोल देगी ये दिल की बुरी नहीं है बहुत प्यारी है। यद्यपि थोड़ा सा मंगल लग्न में है तो थोड़ा सा तेजी तो रहेगी ही रहेगी लेकिन हृदय इसका बहुत नाजुक है बहुत सामान्य है। 2022 तक बृहस्पति की महादशा चल रही है बृहस्पति स्वग्रही होकर बैठे हैं तो ऐसा बहुत बड़ा दोष हमें नहीं दिख रहा। क्या बनेंगी ये बैंकिंग क्षेत्र में जा सकती हैं या फिर फाइनेंस में MBA करके ये किसी MNC में जा सकती हैं। सरकारी नौकरी के भी संकेत प्रबल हैं तो उसके लिए भी प्रयास आप करवा सकती हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। अहमदाबाद से हमारे साथ सूरसेन जुड़े हैं उनसे बात करेंगे। सूरसेन जी स्वागत है आपका। जी आप लाइन पर मौजूद हैं सूरसेन जी? हाँ मैडम मैं लाइन पर मौजूद हूँ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं। आचार्य जी जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा भैया। मैं सूरसेन एस सिरसागर बोल रहा हूँ आचार्य जी। जी और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ मैं महाराष्ट्र का हूँ महाराष्ट्रीय। जी जी। मैं अहमदाबाद से 15 साल से सोने चांदी का बिजनेस करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए प्रश्न करिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1983। 83 जी। टाइम बताइए। और महाराष्ट्र में पंढरपुर का मेरा जन्म स्थान है। समय बता दीजिए आप। समय मेरा सुबह का 8:25 का है मैडम। जी जी। और महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए। डिस्ट्रिक्ट हाँ डिस्ट्रिक्ट सोलापुर। सोलापुर अब करिए प्रश्न करिए सूरसेन जी। सर मेरे पिछले 1 साल से मैंने नया घर लिया है फ्लैट लिया है सर जी। और मेरा सोने चांदी का बिजनेस 10 साल से अच्छा चल रहा था जी 1 साल से बहुत तकलीफ है और मानसिक टेंशन भी बहुत रहता है। टेंशन जी
फाल्गुन शुक्ल तृतीया का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपका है, मीन लग्न है, मीन राशि है, सोने चांदी में चांदी का व्यापार आपका बहुत अच्छा चल सकता है, वैसे दोनों क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त हैं। कर्ज ना दीजिएगा, उधार का लेन देन ना करिएगा, यही आपके लिए सबसे बड़ा घातक रहेगा। नहीं तो एक तांबे का सिक्का अपने सर से वार कर प्रत्येक शनिवार सूर्यास्त के बाद फेंक दिया करिए, काम में आपकी बरकत होगी, काम आपका बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। शनि बहुत मजबूत स्थिति में अष्टम में उच्च के होकर के बैठे हैं, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर भी आप ध्यान दे दीजिएगा, वहां से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। योगा प्राणायाम प्रत्येक प्रातः सूर्योदय से कुछ देर पहले उठ करके जरूर किया करिए, और इससे आपको मनोबल मिलेगा और मानसिक तनाव आपका बेहद कम हो जाएगा। शुद्ध सात्विक खाना ही खाइएगा, इससे भी आपको शुभता मिलेगी। और चलिए आचार्य जी, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि बाहरी लोगों की अगर हम साथ की बात करते हैं तो किचन पिटारा के अंदर ये जो आपने विषय चुना है वो क्यों चुना है आचार्य जी? बिल्कुल, देखिए बाहरी लोगों का साथ, कई बार ऐसे कुछ काम होते हैं हमारे जीवन में जो कि हमारे अपने नहीं कर सकते या उनके वश में नहीं होता, हमें बाहरी लोगों का साथ हर कदम पर चाहिए होता है। मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री लगाए हुए हैं, बाहरी लोगों को आपने एम्प्लॉई के रूप में हायर किया है, लेकिन वो आपको बहुत अच्छा तरजीह नहीं दे रहे, मतलब बहुत अच्छा समर्पण भाव से वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको उनसे कैसे काम निकलवाना है, यह विषय चुनने का आधार हमारा यही था कि जो हमारे बाहरी लोग हैं, बाहर के लोगों का जो संबंध हमसे है, कुंडली का द्वादश भाव कंप्लीटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक भाव हमारे बाहरी लोगों का ही पूरी तरह से निर्धारित किया है ज्योतिष शास्त्र ने। अब इतने बड़े चीज को आप अगर अपने फेवर में कर लें तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी बहुत स्मूथ हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। बस थोड़ी देर में पहुंच रहा है किचन पिटारा। और एमपी के हरदा से हमारे साथ वर्षा जुड़ी हैं, उनसे बात करेंगे। वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वर्षा जी, अब तक आवाज पहुंच रही तो बात कीजिए, लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। आचार्य जी, अक्सर ये भी होता है कि हम जब किसी से प्यार करते हैं, जिसकी तरफ स्नेह हम पालने लगते हैं, हमें उस प्यार के अंदर हम इतने अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं कि हमें ये नजर नहीं आता है कि सामने वाले में खामियां भी हो सकती हैं, दोष भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं आचार्य जी? बिल्कुल, देखिए अगर ऐसी स्थिति आए कि आपको सिर्फ अच्छाई ही दिखे, वैसे शुभ होता है, अच्छा जो आप देखना चाहते हैं, शुभता देखना चाहते हैं, उसके अंदर गुण देखना चाहते हैं, तो ही आप रिश्ते में टिके रहते हैं। लेकिन कई बार कुछ गुप्त खामियां, कुछ गुप्त कमियां इस प्रकार से अचानक सामने आ जाती हैं कि आपके पांव के नीचे से जमीन सरक जाती है। फिर क्या करें, अरे हमने तो तुम्हें ऐसा सोचा ही नहीं था, तुम तो ऐसे नहीं थे, इस प्रकार के फिर भाव, ऐसे मनोभाव हमारे अंदर पैदा होने लगते हैं, लड़की के मन में भी, लड़के के मन में भी। लेकिन देखिए आपके अंदर समझौतावादी गुण कितना ज्यादा है, कंप्रोमाइजिंग नेचर आपका कैसा है, इस पर निर्भर करता है आपके रिश्ते का ड्यूरेशन या रिश्ते की लाइफ। अगर आपके अंदर है कि भाई ठीक है चलिए कोई बात नहीं, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ज्यादा आपसे पैसे की चाह रख ले, लड़के भी रख लेते हैं कई बार लड़की से, या लड़की भी रख लेती है कि खूब शॉपिंग कराए, खूब खर्चा करे, खूब पैसे ले लें, ये भाव रहता है, तो जहां आपने ये भाव रखा रिश्ता ज्यादा नहीं टिक पाएगा, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। तो प्यार का जो सबसे मूल मंत्र है वो है त्याग और समर्पण। जिस प्रेम की लोग कस्में खाते हैं माता के रूप में, माँ जिस तरह से स्नेह रखती है अपने बच्चे के साथ, उसमें सिर्फ त्याग और समर्पण ही रहता है, इसीलिए वह प्यार बहुत स्थायी रहता है, बहुत चिर समय तक चलता है। लेकिन जहां पर स्वार्थ आ गया, जहां पर कुछ लेन देन की बात आ गई, ये चाहिए ये चाहिए ये मिल जाए, प्यार नहीं टिकेगा। यही पर प्यार के लिए वो भाव कैंची का काम करेगा, प्यार खत्म हो जाएगा। तो भाव समर्पण का होना चाहिए, त्याग का होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने कि भाव जो है वो समर्पण का होना चाहिए, त्याग का होना चाहिए। लेकिन अगर महा उपाय की बात की जाए, और ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यार आपको जरूर मिले, उसे पूर्णता जरूर मिले, तो ऐसे में क्या कुछ आपको ज्योतिषी एंगल से करना होगा, आइए वो जान लेते हैं। बिल्कुल, चलिए बात कर लेते हैं महा उपाय की। जो उपाय पूरी तरह से आपके प्रेम को आपकी तरफ आकर्षित कराएगा, आपका प्रेम आपसे दूर नहीं जाएगा, बसरते वो भाव पहले से रहे। ऐसा नहीं कि अचानक आप किसी को चाहने लग गए हैं और ये उपाय कर लिया तो वो भी चाहने लग जाए, ऐसा नहीं है, कुछ भी इस तरह का इसमें नहीं है। हाँ, अगर आप दोनों में अक्सर टकराव हो जाता है या सामने वाला अचानक आपको इग्नोर करने लग गया है, तो कुछ तो था, तभी तो यहां तक आप पहुंचे थे, अब बीच में जो बिगड़ रहा रिश्ता उसको बनाएगा ये महा उपाय। उपाय नोट कर लीजिएगा, एक लाल रंग की रुमाल ले लीजिए। मंगल को सबसे पहले हमने कंसीडर किया, रुमाल हम लिए हैं, इसमें बुध और शुक्र भी आ ही गया।
हल्दी और इत्र से, हल्दी को गीला कर लीजिए, इत्र डाल करके तुलसी की कलम से अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिख लीजिएगा, थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। हल्दी से लिखा, गंगा जल छिड़का, तो गजकेसरी योग बन गया, जहां पर समर्पण और त्याग दोनों निहित होता है। तर्क देखिएगा, ऐसे मत कर लीजिए आप, इसके पीछे तर्क है, समझा देते हैं। इसके बाद ओम शुम शुक्राय नमः का 108 बार जाप कर लीजिए। फिर इस रुमाल को धूप बत्ती दिखाइए, दिया दिखाइए और तह करके अपने पास रख लीजिए। बस काम पूरा है, निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल एकदम से आनंदित रहिएगा, क्योंकि अब आपको कोई इग्नोर नहीं करेगा, खासतौर पर वो जिसे आप प्यार करते हैं या करती हैं। इलाहाबाद से हमारे साथ अर्चना जुड़ी, उनसे बात करेंगे। अर्चना जी स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग आचार्य जी। जय जय श्री राधे। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ, प्रिया के। जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1990। जी। शाम को 4:04 रविवार को। जी। और इलाहाबाद में हुई है। जी, सवाल पूछिए अर्चना जी। 30 सितंबर 1990 सरकारी क्षेत्र में प्रयास कर रही हैं, और इसमें समय क्या बनाया है अर्चना जी? आप समय एक बार फिर से दोहरा दीजिए। ये सरकारी क्षेत्र में प्रयास कर रही हैं। समय, जन्म का समय। अच्छा अच्छा 4:04 शाम के। जी चलिए प्रश्न करिए। सरकारी क्षेत्र में ये प्रयास कर रही हैं। जी। इसमें ये उन्नति करें या किसी और क्षेत्र में जाएं? जी जी जी। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इनकी शादी का योग कब तक है? शादी का योग कब तक है? जी अर्चना जी, कुंडली गुड़िया की आश्विन शुक्ल एकादशी नक्षत्र है श्रवण। सरकारी क्षेत्र में बिल्कुल आप प्रयास करवाइए, निसंदेह सरकारी क्षेत्र में ये जाएंगी। शादी के निमित्त आपने प्रश्न किया है, तो इनसे कम उम्र के लड़के से विवाह के संकेत है, जिसकी 91-92 की पैदाइश होगी। राहु की महादशा है, और एक योग और है कि इन्होंने किसी को मन ही मन चाहा हुआ है, पसंद किया है, लेकिन शायद भयवश अब तक आपसे कहीं नहीं है, तो आप आज अभी कार्यक्रम के बाद पूछिएगा तो शायद आपको पता चल जाएगा। 10 मार्च 2017 तक राहु की महादशा है, 17 मार्च के बाद नौकरी और विवाह, जिसको ये पसंद करती है उसी से शादी होगी, ये निश्चित है। तो दोनों उसके बाद 2017 मार्च के बाद हो रहा है। और शिवानी जुड़ी है इस वक्त हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। इन्होंने हमें रतलाम से कॉल किया है। शिवानी जी स्वागत है आपका। प्रणाम पंडित जी। श्री राधे। मेरा जन्म तारीख है 30 जून 1992। जी। जन्म स्थान है रतलाम। जी। और समय है 10:30 से 11:15 के बीच में। जी शिवानी जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी? जी चलिए, शिवानी कुंडली आपकी तैयार हो गई है बच्चा, और अमावस्या का जन्म आपका है, थोड़ा अपने स्वभाव और चरित्र पर ध्यान दीजिएगा। सरकारी नौकरी के संकेत फिलहाल नहीं है, तो क्षेत्र की बात ही यहाँ पर नहीं है। लग्नस्थ आपके बृहस्पति बैठे हैं और सिंह लग्न आपका है, तो आप अध्यापन क्षेत्र में अध्यापिका बनने के लिए आप कोशिश तेज करिएगा, वही दिशा आपके लिए सर्वोत्तम रहेगी। जन्मस्थान से दूर आपका भाग्योदय होगा, तो जहां आपका जन्म है, रतलाम में जन्म है, वहां से दूर आप उत्तर पूर्व दिशा में बढ़िएगा, वहां पर आपकी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। और चलिए बिल्कुल बारी आ गई है आज के किचन पिटारे की। जैसा कि आचार्य जी ने आपको समझाया भी कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जब हमें बाहरी लोगों से साथ चाहिए होता है, और ऐसे में अगर बाहरी लोग आपका साथ ना निभाए तो हो सकता है कि आपके काम अटके ही रह जाए। तो अगर आप चाहते हैं पूरी तरह उनका साथ पाना, तो ये किचन पिटारा आज क्या लेकर आए आपके लिए, आइए जान लेते हैं। मौसम को लाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। कई ऐसे सरकारी काम होते हैं जो बाहरी ही होते हैं सरकारी कर्मचारी, और वो आपकी हेल्प नहीं करते हैं, उनसे भी काम निकलवाना चाहते हैं, तो यकीनन आज का एक खास सामान आपकी रसोई का आपकी मदद कर रहा है। क्या करना होगा आपको, इसमें सामान क्या, पहले ये जान लीजिएगा। आज इसमें जो सामान हमने लिया वो है कलौंजी। पहले इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए आप। इसको इंग्लिश में निजैला कहते हैं,
उच्च रक्तचाप, दमा, सोरायसिस जैसी बीमारियों में यह इसका सेवन लाभप्रद होता है। इसका तेल भी औषधीय गुणों के कारण औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इस खास सामग्री के अंदर शनि और शुक्र का सम्यक प्रभाव होता है। अब इसका इस्तेमाल प्रयोग, एक बरगद का पत्ता लेकर उस पर 7 चुटकी कलौंजी रखिए। इसके बाद 7 चुटकी कलौंजी रख दिया, अब थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। इसके बाद अपनी दाहिनी हथेली पर रख करके और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद सामग्री को एज इट इज ऐसे ही ले जा करके आप पीपल के पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा। यह काम आपको तब तक करना होगा 2, 4, 6, 10, 20 जब जितनी देर चाहे आप कर सकते हैं, जब तक आपका काम बन ना जाए, जिससे आप अपनी मदद चाहते हैं वह आपकी मदद के लिए आगे ना आ जाए। चलिए हम सिरसा से कुशल जुड़े हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। कुशल जी स्वागत है आपका। श्री राधे जारी जी। श्री राधे भैया, श्री राधे जी, मेरा नाम कुशल है जी। डेट ऑफ बर्थ है 25/8/1968। जन्म स्थान है फतेहाबाद, हरियाणा। सुबह के चारी जी 2 बजे। क्या प्रश्न है कुशल जी? मैं एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था, वो नौकरी चली गई है। दोबारा नौकरी मिल जाएगी या कोई व्यापार करूं? व्यापार किस चीज का करूं, अपने नाम पे करूं या किसी और के नाम पे करूं? जी कुशल, कुशल जी कुंडली आपकी बन चुकी भैया भाद्रपद शुक्ल द्वितीया का जन्म है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, राहु की महादशा है। व्यापार आप अपनी माँ या फिर पिता के नाम से करिए, व्यापार आपके लिए ठीक रहेगा। नौकरी अब छोड़ दीजिए, बहुत हुआ नौकरी। राहु की दशा है 2021 तक। किस चीज का व्यापार करें माँ के नाम से? वस्त्र का व्यवसाय या फिर अन्न का व्यवसाय आपके लिए शुभ रहेगा। शुभकामनाएं हमारी। सुंदरकांड का पाठ रेगुलर करते रहिएगा, जब तक आप पूरी तरह स्टैब्लिश नहीं हो जाते हैं, और मांस भक्षण से एकदम परहेज करिएगा। कानपुर से हमारे साथ महेंद्र जुड़े, उनसे बात करेंगे। महेंद्र जी स्वागत है आपका। मैं अपने बेटे बारे में पूछना चाहता हूँ। जी जी नमस्ते भैया। मैं अपने बेटे बारे में पूछना चाहता हूँ। महेंद्र जी, आप टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर लेंगे तो आप एक सही समय ड्यूरेशन पर बता पाएंगे। जी महेंद्र जी, 6 जुलाई 1992 जी, समय 1:25 दोपहर को जी, कानपुर, यूपी कानपुर। जी जी सवाल पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि बेटे की सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, या अच्छा कारोबार करेगा, या सरकारी नौकरी लगेगी, या उसकी शादी कब तक होगी? जी चलिए, सरकारी नौकरी नहीं लग रही है फिलहाल कुंडली के हिसाब से, व्यापार भी ये नहीं कर पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में ही इनको नौकरी करना होगा। मार्केटिंग क्षेत्र इनके लिए ठीक रहेगा। विवाह के संकेत इनके जन्मांक के अनुसार अभी कम से कम 2017 के लास्ट तक बन पाएगा, तब तक प्रतीक्षा करिएगा। पूर्ण मांगलिक है तो सोच विचार करके ही शादी करिएगा। नासिक से हमारे साथ अनीता जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। अनीता जी स्वागत है आपका। जी अनीता जी, अब तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो रहा, लेकिन अनुज है मेरे ख्याल से, वरुण माफ कीजिएगा। वरुण जी स्वागत है आपका। जी अरुण जी, अगेन माफी, अरुण है आप। अरुण जी अगर आप तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। लगता है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आचार्य जी एक और मेल पर हम चर्चा करते हैं, और सौम्य ने वे मेल दिल्ली से भेजी। आचार्य जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताती हैं, 15/12/2001, 7:19 शाम के, नई दिल्ली का जन्म है। सौम्या जी, सौम्या ये विदेश जाना चाहती हैं, बार बार अप्लाई कर रही हैं। 7:19 शाम जी, के जी, जी ये विदेश जाना चाहती हैं आचार्य जी, बार बार ट्राई कर रही हैं वहीं पर सेटलमेंट के लिए और नौकरी के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। 2001 बताया जी, 2001, 15 साल की उम्र और विदेश के लिए कोशिश शुरू हो गई जी। चलिए फिलहाल तो योग नहीं है फिलहाल के लिए। 2020 में आपका संकेत ग्रहों की तरफ से बन रहा है, जून 17 के बाद ही बनने लगेगा, लेकिन जाके जो एग्जीक्यूट होगा वो 2020 तक हो पाएगा, तो शायद मेच्योरिटी भी तभी आपकी आ पाएगी। अभी तो बहुत कम उम्र है, अभी आप घर से दूर ना जाएं तो बेहतर है। जन्मांक भटकाव की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि 7:30 का भी आपके आरंभ हो चुका है, तो भटकाव की तरफ ना जाएं आप। कोशिश करें कि घर पर ही रह करके, माता पिता के साथ रह करके सौम्या जी प्रयास करें आप। शुभकामनाएं हमारी। विदेश तो जाना तय है लेकिन 2020 के बाद है, तब तक आप प्रतीक्षा करें और यहाँ पर रह करके आप अध्ययन करें।
आचार्य जी, आज के विषय संबंधी जितनी भी आपने प्यार भरी जानकारी दी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी शायद। हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। हमें फीडबैक आप जरूर दीजिए कल atm@liveindia.tv पर। और इस तरह के जितने भी हम विषय हैं अक्सर आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कोई विषय हम लेकर आए आचार्य जी उस विषय के ऊपर आपको अच्छे उपाय दें, तो आप हमें उसके रिगार्डिंग भी सजेशन मेल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल तो हम ले रहे हैं आपसे इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक और खास विषय के साथ। नमस्कार। देश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। देश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
आपका सर होगा। खबरों पर बहस का सब